देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज पॉलिटिकल बाइट। दोस्तों एक तरफ जहां शिंदे और फडणवीस यानी भाजपा और शिंदे गुट की जो शिवसेना है उनके गठबंधन वाली सरकार चल रही है, ऐसा कहा जा रहा है लगातार महाविकास आघाड़ी की तरफ से कि उनकी जो सरकार है वो गिर जाएगी, ज्यादा समय तक रहेगी नहीं। अब ऐसा लग रहा है कि महाविकास आघाड़ी यानी एमवीए सरकार पर ही खतरे के बादल मंडराने लगे हैं, और वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि संजय राउत का बयान एक सामने आया है और ये बयान इस वक्त राजनीतिक गलियारों में सुर्खियों में है। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि संजय राउत ने कहा है कि अब एमवीए गठबंधन टूट सकता है। अब उन्होंने जो बयान दिया है किसको लेकर कहा है ये मैं आपको बताना चाहूंगी। देखिए राहुल गांधी ने विनायक दामोदर सावरकर को लेकर एक टिप्पणी की और उस टिप्पणी को विवादित टिप्पणी कहा गया। उनको लेकर कई चीजें उन्होंने कही राहुल गांधी ने, उसके बाद से ही हंगामा मचना शुरू हो गया। बीजेपी ने तो विरोध किया ही, उनके साथी गठबंधन वाली पार्टी यानी उद्धव गुट की शिवसेना ने भी यहाँ विरोध जारी कर दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि हम वीर सावरकर को अपना आइडल मानते हैं और वीर सावरकर का हम सम्मान करते हैं, तो उनके बारे में ऐसी टिप्पणी करना ये राहुल गांधी को शोभा नहीं देता और हम ये बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। संजय राउत ने अब दोबारा इसी बयान को दोहराया और उन्होंने बोला कि अगर इसी तरीके के बयान राहुल गांधी देते रहे तो उन्हें अपने गठबंधन से हाथ धोना पड़ेगा। महाराष्ट्र में जिस तरीके से महाविकास आघाड़ी की का गठबंधन है, तीन पार्टियां हैं, कांग्रेस कांग्रेस शिवसेना उद्धव गुट की शिवसेना और एनसीपी, तो इन तीनों पार्टियों में जो कांग्रेस है वो उसको बाहर किया जा सकता है, उसको निकाला जा सकता है। संजय राउत ने कहीं ना कहीं संकेत दिए हैं और संजय राउत का कहना है कि राहुल गांधी को ऐसे बयान देने से बचना चाहिए क्योंकि वीर सावरकर को हम पूछते हैं, वीर सावरकर को हम मानते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए यहाँ सीधे तौर पर एक तरफ सरकार जिस बात का इंतजार कर रही थी कि एमवीए गठबंधन में टूट पड़े वो कहीं ना कहीं अब दिखाई दे रही है। हालांकि राहुल गांधी का इस पर अभी कोई बयान सामने नहीं आया है जो कि संजय राउत या उद्धव ठाकरे ने दिया है। दोस्तों बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।